जो टॉपिक करने लगे हैं डैट इज़ जेरेंटोलॉजी, इसके लिए आपने क्या करना है कि एक तरफ आपने एक्सेल रख लेनी है और एक तरफ आपने पार्क रख लेनी है, ठीक है। तो इनको कंबाइंड वर्जन में हम पढ़ेंगे ताकि हमें समझ आ जाए कि क्या हमने इसमें से पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जेरेंटोलॉजी होती क्या है, ठीक है। इसका दूसरा नाम जेरेट्रिक्स होता है, ठीक है। तो इट इज़ वॉट, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस विच आर इंसिडेंट टू द ओल्ड एज, ठीक है। कि एक्चुअली हम इसमें ना जो बूढ़े लोग होते हैं ना उनकी जो एज होती है, ठीक है, ओल्ड एज, ठीक है, उनमें जो भी चेंजेस आती है ना उनको हम पढ़ते हैं, ठीक है। उनकी जो फिज़िकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, फिज़िकल में आप सोच सकते हैं कि उनकी बॉडी पे ऐसा होल कैसे चेंजेस आती हैं, ठीक है। जब लोग बूढ़े होना शुरू हो जाते हैं तो आपको पता है उनकी हर चीज़ जो है वो वीक होना शुरू होती है, बोन्स वीक होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, और उनके ऐसा होल बॉडी जो है उसके अंदर चेंजेस आती हैं, ठीक है। फिज़िकल चेंजेस आती हैं और साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आती हैं, ऑब्वियसली स्ट्रेस वगैरह जब उनके हॉर्मोन्स वगैरह चेंज हो जाते हैं इस तरह से, तो वो साइकोलॉजिकल चेंजेस भी उनके अंदर आना शुरू हो जाती हैं। तो हमने इसमें क्या पढ़ना होता है, वी स्टडी हेयर द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस विच आर इंसिडेंट टू द ओल्ड एज, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड एज जेरेंटोलॉजी, ठीक है। फिर हमारे पास होता है कि क्लिनिकल जेरेंटोलॉजी क्या है, ठीक है। क्लिनिकल जेरेंटोलॉजी की अगर बात की जाए तो वो क्या होता है कि इट इज़ अ साइंस ऑफ हेल्थ केयर ऑफ एज्ड पीपल, ठीक है, यहाँ एल्डरली पीपल, कि हमने इसमें साइंस ऑफ हेल्थ केयर पढ़नी होती है। क्लिनिकल जेरेंटोलॉजी, वैसे तो जेरेंटोलॉजी जो है हर कोई पढ़ता है कि ओल्ड एज में जो चेंजेस आती हैं, लेकिन हमने अगर क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है बिकॉज वी आर बिकमिंग डॉक्टर्स, तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि जो क्लिनिकल जेरेंटोलॉजी है उसमें क्या होगा, द साइंस ऑफ हेल्थ केयर, ठीक है, साइंस ऑफ हेल्थ केयर टू द एल्डरली पीपल या एज्ड पीपल, ठीक है, उनको जो हम साइंस ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं ताकि उनकी जो एज वाइज चेंजेस आ रही हैं उनको हम कम से कम कर सकें, ठीक है। और जितना मतलब हम जो है किसी को मरने से तो रोक नहीं सकते, ठीक है, बूढ़े होने से, एजिंग जो है उसको बूढ़ा होने से रोक तो नहीं सकते, लेकिन उनके अंदर जो चेंजेस आ रही हैं, जो इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं साइकोलॉजिकल फिज़िकल, उनको प्रिवेंट करने के लिए जो हमने उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है, उसकी जो साइंस होती है, साइंस ऑफ हेल्थ केयर, ठीक है, साइंस ऑफ हेल्थ केयर, ठीक है, जो हम प्रोवाइड करते हैं क्लिनिक, उसको हम कहते हैं कि क्लिनिकल जेरेंटोलॉजी, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस आपकी पार्ट पे भी लिखी हुई हैं और आपके एक्सेल पे भी लिखी हुई हैं, ठीक है ना। तो इसमें ऐसा सच कोई चेंज नहीं है, चेंज यहाँ पे आ रहा है कि जो हमारे पास इंट्रोडक्शन है कि व्हाट इज़ ओल्ड एज, ठीक है, ये आपके पार्ट की फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, ठीक है, इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, हर किसी ने बुरा होना होता है, इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, ठीक है, एंड ओल्ड एज इज़ एन इनक्योरेबल डिजीज़, ठीक है, कि ये एक इनक्योरेबल डिजीज़ है, कोई भी हम ये नहीं कह सकते कि किसी को हमने मतलब इस तरह प्रिवेंट कर दें कि वो बुरा हो ही ना, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन वो होगा। तो सर जेम्स जो हमारे पास थे उन्होंने कहा कि यू डू नॉट हील ओल्ड एज, ठीक है, आप ओल्ड एज को हील नहीं कर सकते, ठीक है, यू प्रोटेक्ट इट, यू प्रमोट इट एंड यू एक्सटेंड इट, ठीक है, आप उसको हील नहीं कर सकते, उस डिज़ीज़ को आप हील नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, आप उसको प्रमोट कर सकते हो, आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो, कि किसी की एज अगर उसने बूढ़ा होना था कोई 50 साल पे, ठीक है, तो हम उसकी एज को एक्सटेंड कर सकते हैं, उसके बुढ़ापे को एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, हम उसको रोक नहीं सकते, हम उसको प्रमोट कर सकते हैं, हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट हील इट, ठीक है। उसके बाद यह है कि हमारे पास कौन कौन सी दूसरी हमारे पास जेरेंटोलॉजी की टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें सोशल जेरेंटोलॉजी है, एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, सोशल, एक्सपेरिमेंटल, जेरेट्रिक, गायनोकोलॉजी एंड प्रिवेंटिव जेरेट्रिक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास चार तरह की इसकी टाइप्स होती हैं। सोशल में हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली जो सोशल इंटरेक्शन हैं बूढ़े लोगों के, उनको इम्प्रूव करने के लिए हम उसमें पढ़ते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल में क्या करते हैं, हम रिसर्च करते हैं, कि उनकी जो डिजीज़ होती हैं उनके ऑर्गन लेवल से लेकर टिश्यू लेवल से लेकर इंक्रीज तक, ठीक है, तो इस तरह से जो है हम इसमें पढ़ते हैं। इसके अलावा जो गायनोकोलॉजी होती है, ऑब्वियसली इसमें गायनोकोलॉजिकल जो हमारे पास प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम डील करते हैं बूढ़े लोगों की, ठीक है। और इसके अलावा जो प्रिवेंटिव है उसमें हम क्या करते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ जो बूढ़े लोगों में हो सकती हैं, क्रोनिक डिजीज़, उनकी प्रिवेंशन हम किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, लाइक हम उनको प्रिवेंशन के लिए हम मेजर्स देते हैं कि आपने वेट, आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने डाइट अच्छी रखनी है, इस तरह की, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं इसमें
सोशल है, एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है, गायनोकोलॉजी से रिलेटेड है, या हमारे पास प्रिवेंटिव जेरेंटोलॉजी है, ठीक है। तो इसकी टाइप्स हैं ये आपकी पार्ट में लिखी हुई हैं। उसके बाद साइज़ ऑफ प्रॉब्लम क्या है कि अब आपको देखा जाए तो पहले जो हमारे पास था इसमें कि प्रिवेंटिव मेडिसिन नहीं थी बूढ़े लोगों के लिए, ठीक है, जिसकी वजह से क्या था कि डिजीज़ उनकी बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट थी, ठीक है। लेकिन अब ये देखा गया है कि बिकॉज ऑफ मैनी रीजन्स, ठीक है, जो हमने उनके लिए प्रिवेंटिव मेडिसिन स्टार्ट की, उसकी वजह से बहुत कम जो है रेशो हो गई बूढ़े लोगों की, जो एजिंग प्रोसेस थी उनकी डिजीज़ काफ़ी हद तक कम हो गई, ठीक है। तो इसका ये है कि द नंबर ऑफ ओल्ड पीपल इज़ कॉन्टिन्यूली ऑन द इंक्रीज, ठीक है। मतलब इसका ये मतलब है कि ओल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, मतलब उनका जो मरने वाली रेशो थी वो कम हो गई है, ठीक है। डेथ जो हमारे पास होती थी, तो ये जो ओल्ड पॉपुलेशन है ये वक्त के साथ साथ इंक्रीज़ होती जा रही है, ठीक है। उसके रीजंस क्या हैं, उसके मल्टीपल रीजंस हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास बेटर हेल्थ केयर है, आप अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और जो भी आप हेल्थ केयर प्रोवाइड करने की वजह से ये जो इनकी पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है, और डेथ रेशो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, ठीक है। और बेटर सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उनको, ठीक है, लाइक उनको फूड, शेल्टर और लिविंग कंट्रोल, ठीक है, ये सब कुछ है। ये आपको पता है कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं ओल्ड पीपल के लिए, ठीक है, और डेवलपिंग कंट्रीज़ में ऐसा सच नहीं है, लेकिन फिर भी हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास इनको प्रोवाइड किया जा रहा है बेटर हेल्थ केयर एंड बेटर सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस उनको प्रोवाइड की जा रही हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़, उनकी पॉपुलेशन रेशो जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम। उसके बाद इन्होंने बताया है कि व्हाट आर द हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ द एज्ड, ठीक है, मतलब ये जो बूढ़े लोग हैं उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। तो आपको बताया कि आप खुद भी बताया कि बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास तीन हेडिंग्स इन्होंने दी हुई हैं पार्ट पे भी और आपके एक्सेल पे भी दी हुई हैं, ठीक है। तो उसको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा एक्सेल से देख लेते हैं कि हु गोल फॉर द एल्डरली, ठीक है, कि उनकी जो है मैक्सिमम उनकी हेल्प की जाए, ठीक है, और सोशल सेटिंग में वो जो है उनके इंटरफंक्शंस को इंप्रूव किया जाए, ठीक है। ये नहीं है कि वो दूसरे लोगों पे डिपेंडेंट होकर ज़िंदगी गुजारें, ठीक है, उनकी जो है एक अच्छा लाइफस्टाइल उनको दिया जाए, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान एजिंग पॉपुलेशन उन्होंने बताई हुई है कि हमारे पास जो है ज़्यादातर 20 मिलियन पीपल जो हैं वो 60 ईयर्स से अबव हैं, ठीक है, और इन्होंने कहा था कि 2010 तक जो है ये 60 ईयर्स अबव हो जाएगी परसेंटेज, ठीक है, कि वो जो है 10-15% इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया कि जेरेट्रिक्स हैज़ नॉट येट रिसीव द डिज़र्व्ड इंटरेस्ट इन पाकिस्तान, और द सीनियर सिटीजन एसोसिएशन हैज़ इस्टेब्लिश डे केयर सेंटर्स होते हैं फॉर द एल्डरली, बट द यूटिलाइजेशन रेट इज़ स्मॉल, ठीक है। मतलब यू नो दैट इट इज़ अ डिवेलपिंग कंट्री, तो इतना अच्छा जैसे होना चाहिए वैसा हेल्थ केयर एंड सोशल इकोनॉमिक सिस्टम्स जो है उनको प्रोवाइड नहीं किए जा रहे, ठीक है। देन आपके पास लिखा हुआ है ना हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ द एज्ड, ठीक है, तो इसमें है कि नो वन नाउज व्हेन द ओल्ड एज बिगिंस, इट इज़ सेड दैट नोबडी ग्रोज ओल्ड मेयरली बाय लिविंग अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, ये नहीं है कि इतने सालों बाद वो ओल्ड हो जाएगा, ठीक है। ईयर्स रिंकल द स्किन, ठीक है, बट वरी, डाउट, फियर, एंजाइटी एंड सेल्फ डिस्ट्रस्ट रिंकल द साउल, ठीक है। तो ये इन्होंने लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है ड्यू टू एजिंग प्रोसेस, ठीक है, ये इन्होंने बताया हुआ दरअसल कि हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ द एज्ड क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो एजिंग प्रोसेस की वजह से आती हैं, ठीक है ना। तो आपको पता है जैसे जैसे बंदा बूढ़ा हो जाता है तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है, वो आ सकती हैं कि वो उसके अंदर सेनाइल कैटरेक्ट हो जाता है, ठीक है, ग्लोकोमा की कंडीशन हो सकती है, ठीक है, और नर्व डेफनेस हो जाती है ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से, ठीक है, एम्फिसीमा की वजह से, फेलियर ऑफ स्पेशल सेंसेस, चेंजेस इन मेडिकल मेंटल आउटलुक, ठीक है। तो क्या होता है एजिंग प्रोसेस की वजह से कैटरेक्ट डेवलप हो जाता है, ठीक है, लेंस कैप्सूल वो सारी उसकी जो प्रोटीन्स होती हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है ना, तो कैटरेक्ट, ग्लोकोमा, ठीक है, इसके अलावा नर्व डेफनेस, ठीक है, वो जैसे पहले सुनता था जवानी में उस तरह नहीं सुन सकता, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, उसकी जो वो है बोन्स वीक होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस होना शुरू हो जाती है, उसके बाद एम्फिसीमा हो सकता है, फेलियर ऑफ स्पेशल सेंसेस, ठीक है, उसको नज़र कम आता है, ठीक है, जैसे वो पहले सूंघता था जवानी में वो नहीं सूंघ सकता, जैसे वो टेस्ट कर सकता था वो अब वैसा नहीं कर सकता, जैसे वो सुन सकता था वैसा अब नहीं कर सकता, मेंटल आउटलुक उसके अंदर चेंजेस आती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉब्लम्स आती हैं डाटा ड्यू टू लॉन्ग टर्म इलनेस, ठीक है, जो आप कह सकते हैं कि क्रोनिक इलनेसेज जो होती हैं उसमें हमारे पास डिफरेंट आ जाती हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल
नॉर्मल हार्ट एंड ब्लड वेसल्स की डीजनरेटिव डिजीज़ हो सकती हैं, कैंसर हो सकता है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, डायबिटीज़ हो सकती है, डिजीज़ ऑफ लोकोमोटर सिस्टम, रेस्पिरेटरी इलनेसेस, जेनिटो यूरिनरी सिस्टम। तो हार्ट एंड ब्लड वेसल्स की आपको पता है कि क्या हो सकता है पेशेंट को, जैसे जैसे वो बूढ़ा होता जाता है उसकी वेसल्स वीक होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो सकता है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन होती है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है उसका, और कैंसर स्टेज होती है। और बताया जाता है कि जो प्रोस्टेट कैंसर होता है वो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है बूढ़े लोगों में, ठीक है। और एक्सीडेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर क्योंकि बोन्स फ्रेजाइल हो जाती हैं, इतना उससे वैसे चला नहीं जाता जैसे वो जवानी में चलता था, तो आसानी से ब्रेक कर जाती हैं, ठीक है, थोड़ा सा भी गिरा साथ ही बाबे जी की जो है ना वो बोन टूट गई, तो ऐसे होता है एक्सीडेंट्स, क्योंकि बोन्स आगे ही फ्रेजाइल हैं, तो ज़रा सा एक्सीडेंट होगा तो वो जो है ना उसकी और ज़्यादा वो फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो होम के अंदर और ज़्यादा कॉमन होते हैं, फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ फीमर ज़्यादा कॉमन होता है। कैंसर मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा प्रोस्टेट कैंसर कॉमन होता है ओल्ड एज में। फिर डायबिटीज़ हो सकती है, ऑब्वियसली डायबिटीज़ बहुत कॉमन होती है बूढ़े लोगों में, शुगर लेवल उनका ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा लोकोमोटर सिस्टम उनका ख़राब हो जाता है, मतलब उनकी बोन्स जो होती हैं वो फ्रिजाइल हो जाती है ना, तो उनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट, ऑस्टियोआर्थराइटिस और मायोलाइटिस, फाइब्रोसाइटिस, इस तरह की कंडीशन आती हैं, स्पोंडिलाइटिस हो जाता है और झुक जाती है उनकी कमर, झुक जाती है ऐसे, ठीक है, और वर्टिब्रल प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर हमारे पास रेस्पिरेटरी इलनेसेस हो सकती हैं, उनको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, इम्फिसीमा, ठीक है, ये इस तरह की चीज़ें आती हैं। जेनिटो यूरिनरी सिस्टम में क्या होता है, वही प्रोस्टेट इनलार्जमेंट हो जाती है, डिसयूरिया, उसकी वजह से क्या होता है कि पेनफुल यूरिन होता है, नॉक्टूरिया हो जाता है, ठीक है, उनके जो मिक्चुरेशन होती है ना उसमें प्रॉब्लम आती है। तो ये वेरियस हमारे पास जो है ना क्या होती हैं, इसकी प्रॉब्लम्स होती हैं ओल्ड एज की, लॉन्ग टर्म इलनेस की वजह से, ठीक है। फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको पता है मेंटल चेंजेस, सेक्सुअल एडजस्टमेंट है इसमें, और इमोशनल डिसऑर्डर्स हैं। क्या होता है मेंटल चेंजेस में, जब बूढ़े लोग हो जाते हैं तो उनकी मेमोरी इंपेयर होना शुरू हो जाती है, भूलना शुरू हो जाती है, भूलने की बीमारी हो जाती है, ठीक है, चीज़ रख के भूल जाते हैं। सेक्सुअल एडजस्टमेंट, ठीक है, ऑब्वियसली उनके हार्मोन्स चेंज होंगे, ठीक है, मेनोपॉज हो जाएगा या उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी में प्रॉब्लम आएगी, मतलब चेंज हो जाएगी ना, तो उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम आती है साइकोलॉजिकली, और उसकी वजह से उनको जेलेसी और इस तरह की चीज़ें आती हैं। फिर इमोशनल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं ना, क्या होते हैं इमोशनल डिसऑर्डर्स में कि उनके जो है वो बिटर, मतलब इमोशनली वो चेंज हो जाते हैं, उनकी परसेप्शन होती है, ठीक है, डिग्री ऑफ अडेप्टेशन टू द फैक्ट ऑफ एजिंग इज़ क्रूशियल, क्या मैं बुरा हो रहा हूँ, ठीक है, तो सोशल मैलएडजस्टमेंट हो जाती है, वो सोचते ही मैं बुरा हो रहा हूँ, तो ऐसे उसके अंदर फिर प्रॉब्लम्स आती हैं, लाइक डिप्रेशन और इनर विदड्रॉल, कि अब मेरा तो कोई, मतलब वो कहते हैं कि मतलब मेरा तो कोई अब इस दुनिया में काम ही नहीं है ना, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ठीक है, सारे लोग अपने उनके पोते पोतियाँ सारे बिजी हो जाते हैं अपने अपने कामों में, तो वो जब अपने आप को ऐसे लॉनली फील करते हैं बूढ़े लोग, ठीक है, तो उनके इमोशनल डिसऑर्डर्स आते हैं, लाइक डिप्रेशन, ठीक है, और इनर विड्रॉल, बिटरनेस, ठीक है, और इवन सुसाइड, ठीक है, कि अब मेरा इस दुनिया में काम नहीं है तो मैं सुसाइड ही करके मर जाता हूँ, ठीक है, तो इस तरह की उनके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ द एजड, के एजिंग प्रोसेस की वजह से जो चेंजेस आती हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म इलनेस की वजह से चेंजेस आती हैं, और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से जो चेंजेस आती हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास थी हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ द एज्ड। तो ये आपके पास एक्सेल में बहुत अच्छा लिखा हुआ था, तो ज़्यादा जो है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी पार्ट से, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो हेल्दी लाइफस्टाइल फॉर द एल्डरली है, ये भी आपके पास जो है एक्सेल में काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है कि एल्डरली के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे अच्छा हो सकता है, कि हम उनको क्या रिकमेंड करें कि आपकी हेल्दी एक्टिविटी हो और आप ये जो प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं बूढ़े लोग, ठीक है, वो ख़त्म हो सकें। तो न्यूट्रिशन है सबसे पहले, कि उनकी जो है न्यूट्रिशन उनकी अच्छी हो, ठीक है, प्रोटीन्स, विटामिंस, मिनरल्स उनकी डाइट में हो, ईटिंग लेस एंड मोर फ्रीक्वेंट इज़ रिकमेंडेड फॉर एल्डरली, ठीक है, कि ईटिंग लेस एंड मोर फ्रीक्वेंट, ठीक है, इज़ रिकमेंडेड फॉर एल्डरली, ठीक है। उसके बाद मतलब ये कि अच्छा खाना हो, एज अ होल न्यूट्रिशन उनकी अच्छी हो, बैलेंस डाइट हो, ठीक है, ना ज़्यादा खाना हो, ठीक है, और ना ही बहुत कम खाना हो, ठीक है, बैलेंस डाइट हो। एक्टिविटी मॉडरेट एक्टिविटी इज हाईली डिज़ायरेबल, कि मॉडरेट, ये नहीं है कि पकड़ के ट्रेडमिल पर चढ़ जाओ पूरे लोग, ठीक है, ये नहीं है, लेकिन मॉडरेट एक्टिविटी हो, एटलीस्ट वॉक जो है वो ज़रूर करें, ठीक है। उसके बाद रेस्ट एंड स्लीप,
ठीक है, कि उनके जो है ना मतलब अपनी एडजस्ट इतना वो सोना उनके लिए होता है ना, अच्छा सोना वो उनकी पूरी हो, ठीक है, सेफ्टी, ठीक है, स्लो रिएक्शन टाइम एंड पुअर विजन की वजह से क्या होता है कि उनको एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होते हैं, उनको नज़र नहीं आ रहा होता और जो है ना गिर जाते हैं जो रस्ते में, ठीक है, तो उनकी सेफ्टी मेजर्स होनी चाहिए। लिविंग ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पर उनको रखो, ये नहीं है कि बाबा जी का कमरा जो है वो छत के ऊपर रखा हो, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पर उनको कमरा दिया जाए, वेल लाइटेड रूम्स हों, ठीक है, और डिम लाइट थ्रू द नाइट एंड एब्सटेन फ्रॉम ड्राइविंग, ठीक है, इससे उनकी सेफ्टी उनको प्रोवाइड की जाए। बाथिंग, ठीक है, बाथिंग कॉन्ट्रीब्यूट टू जनरल फीलिंग ऑफ वेल बींग, ठीक है, ये नहीं है कि वो गंदे मंदे रहें, ठीक है, बाथिंग अच्छी हो उनकी, क्लॉथिंग उनकी अच्छी हो, ठीक है, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द एल्डरलीज फीलिंग ऑफ प्राइड स्टेटस वर्थ, ठीक है, एंड क्लीन क्लॉथिंग, ठीक है, अडेप्टिव टू द सीजन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। फिर हमारे पास रिलीजियस एक्टिविटीज़ आती हैं कि वो रिलीजियसली भी हमारे पास जो है वो हतम मतलब उनके अंदर भी इन्वॉल्व हों, ठीक है, प्रे एंड प्रेइंग एंड इन तस्बीह वगैरह। और उसके बाद हमारे पास लेजर टाइम एक्टिविटी, क्या ये नहीं है कि वो ऐसे ही बैठे हुए हैं देख रहे हैं दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है, ऐसे नहीं है, उनको कोई एक्टिविटी होनी चाहिए ना, ताकि वो उसके अंदर इंक्लूड हो, लाइक क्राफ्ट, ड्रामेटिक्स, पोइट्री, क्रिएटिव वर्क, लेक्चर्स, पार्टीज, आउटिंग्स, ठीक है, ये नहीं है कि आप जो पूरी फैमिली जो है ना वो बाबा जी को घर छोड़ के जो है ना बाहर घूमने चले जाओ, नहीं, ठीक है, उनकी जो है लेजर टाइम एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। मेडिकल सर्विसेज उनको प्रोवाइड की जानी चाहिए, ठीक है, मेडिकल एंड सोशल सर्विसेज उनकी जो है वो प्रोवाइड की जानी चाहिए। एनुअल उनकी इमरजेंसी एनुअल चेकअप्स उनके होने चाहिए, प्लस इमरजेंसी केयर उनको प्रोवाइड की जानी चाहिए। रिहेबिलिटेशन, ठीक है, कि द इल और डिसेबल्ड एल्डरली पर्सन नीड्स नॉट ओनली द रूटीन केयर बट ऑल्सो रिहेबिलिटेशन सर्विसेज, ठीक है, मतलब और टर्शरी प्रिवेंशन में अगर वो नहीं चल सकते प्रॉपर तो उनको रिहेबिलिटेट किया जाए, ठीक है, और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर फॉर द एल्डरली, ठीक है, तो ये प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है, इसको हम देखते हैं। तो इन्होंने बहुत ही प्यारा आपको टेबल बना के दिया हुआ एक्सेल पे ना, लास्ट इसका जो मिसलेनियस टॉपिक के एंड पे है, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर फॉर द प्रिवेंटिव हेल्थ केयर फॉर द एल्डरली, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, यही हमारे कम्युनिटी मेडिसिन का मेजर पार्ट होता है, हमने इसको ना नेक्स्ट ऑडियो में कर लेते हैं।